हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू इन इंग्लिश ग्रामर। यदि इससे पहले वाला वीडियोज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जहां से आप उन वीडियोज को देख सकते हो। 16 सेंटेंस दिया हुआ है। वे हैव बीन ट्रेनिंग हियर फॉर नेम। यहाँ पर दो प्रपोजिशन दिए हुए हैं, सिंस और फार। सिंस और फार का एक वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखा है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। दे हैव बीन प्लेइंग हियर फॉर नेम। यहाँ पर सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ब्लैंक जो दिया है, ब्लैंक के सामने मॉर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है। जो डेफिनेट टाइम होता है उसके लिए सिंस का इस्तेमाल होता है, और जो इंडेफिनिट टाइम होता है उसके लिए फार का इस्तेमाल होता है। यदि यहाँ पर जो टाइम है गिनती के रूप में लिखा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें फार का इस्तेमाल करना है। और यदि यहाँ पर जो टाइम है गिनती के रूप में ना लिखा हो, तो हमें सिंस का इस्तेमाल करना है। दिन के जो तीन समय होते हैं, सुबह, दोपहर और शाम, इन तीनों टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सिंस। They have been playing here since morning. Next sentence दिया हुआ है, We have been studying in this college 3 years. अभी मैंने आपको बताया था कि यदि टाइम गिनती के रूप में लिखा हो तो हम ऐसे सेंटेंस में फार का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 3 years लिखा है, 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, टाइम गिनती के रूप में लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस में फार का इस्तेमाल होने वाला है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा फार। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, वे विल गो टू दिल्ली मंडे। वे मंडे को दिल्ली जाएंगे। यहाँ पर 3 प्रपोजिशन दिए हुए हैं, इन, ऑन, एट। अब यहाँ पर हमें ब्लैंक के सामने वाले वर्ड को देखना है। मंडे लिखा हुआ है यहाँ पर, और मंडे क्या है, कैलेंडर में आता है। कैलेंडर के लिए इन और ऑन का इस्तेमाल होता है। 2 प्रपोजिशन ऐसे हैं, इन और ऑन, जो कैलेंडर वाले टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैलेंडर में भी 2 प्रकार का समय होता है, एक तो मंथ और ईयर वाला। तो मंथ और ईयर वाले के लिए प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल होता है, और डे और डेट्स के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर मंडे एक दिन का नाम लिखा हुआ है, और जो दिन के नाम होते हैं, दिनों के नाम के आगे प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल। हम अप्रैल में कश्मीर गए थे। यहाँ पर 3 प्रपोजिशन दिए हुए हैं, इन, ऑन और डे। अब यहाँ पर अप्रैल लिखा हुआ है, अप्रैल ये कैलेंडर वाला टाइम है, कैलेंडर में अप्रैल आता है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो मंथ और ईयर होते हैं इनके लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर सही प्रपोजिशन बनेगा हमारा इन। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, हिज अंकल डाइड कैंसर। उसके अंकल कैंसर से मर गए। यहाँ पर 3 प्रपोजिशन दिए हैं, फ्रॉम, आ और टू। यहाँ पर हमें देखना है डाइड, डाइड जो वर्ड है यहाँ पर फिक्स प्रपोजिशन यूज होने वाला है। डाई के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑफ। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर।